जय हिंद जय भारत सभी प्यारे बच्चों को। मेरे पास बच्चों के कुछ लगातार कमेंट आ रहे थे कि मैम ये बताइए जो इस बार CUET UG 2023 का हम एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, क्या उसके एग्जाम पैटर्न में कोई चेंजेस हैं, और अगर हैं तो वो क्या चेंजेस हैं। जैसे कि बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और जो सिलेबस है वो कहाँ से डाउनलोड करना है, इंग्लिश के लिए हमें क्या पढ़ना है, जनरल टेस्ट वालों को क्या पढ़ना है, इस तरीके के कुछ कुछ क्वेश्चंस बच्चों के मेरे पास आ रहे थे। जो डोमेन सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं जैसे कि बी फार्मा के बच्चे हैं, उनका प्रश्न आ रहा था कि मैम बी फार्मा में हमें 11 12th का पढ़ना है या कुछ अलग से चीजें पढ़ाई करनी है, तो वही चीजें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। आप ये समझ लीजिए कि ये पूरा वीडियो थोड़ा बहुत एग्जाम पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग और सिलेबस को लेके है जो कि यूजी 2023 का होगा, ठीक है। तो ये सामने आप बिल्कुल पीडीएफ देख सकते हैं बच्चों, ये पीडीएफ CUET समर्थ की वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है, टीचिंग और लर्निंग अब, ठीक है। तो समझ लेते हैं कि क्या गाइडलाइंस उन्होंने बच्चों को दी है जिसके हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं और CUET को टारगेट करके क्रैक कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे लैंग्वेजेस की। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि फॉर्म को भरते समय दो तीन चीजें आपके सामने आई थी, स्लॉट 1 स्लॉट 2 डोमेन सब्जेक्ट्स और जनरल टेस्ट। तो देखिए लैंग्वेजेस की अगर मैं बात करूं स्लॉट 1 की, इसमें तो इसमें लिखा है कि 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस को आपने मतलब चूज किया है और 20 लैंग्वेजेस जो है वो सेकंड बी कॉलम में। तो अब क्वेश्चंस कितने आएंगे वो भी समझ लीजिए, 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50 इन ईच लैंग्वेज, यानी कि जो भी भाषा आपने दो भाषाएं अपने लिए चुनी होगी उसमें प्रत्येक भाषा में से 50 क्वेश्चंस आएंगे और 40 ही आपको करने होंगे। तो मतलब बच्चे के पास चॉइस होगी कि उन 50 क्वेश्चन में कि जो बेस्ट 40 उसके हैं वो उसको चूज करके अपने नंबर को खींच सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डोमेन सब्जेक्ट का। तो डोमेन सब्जेक्ट बच्चे पूछ रहे थे कि मैम क्या भरना है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जानकारी दूंगी। जो बच्चे उत्तराखंड हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लिए CUET UG कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम भरा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि पिछले बार बच्चों ने जब डोमेन सब्जेक्ट भरे थे और पेपर देने गए और रिजल्ट आए उसमें बहुत ज्यादा फर्क आ गया। फर्क ये आया कि मान लीजिए कि बच्चे का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का उसने डोमेन सब्जेक्ट भरा, लेकिन उसने सोचा कि मुझे तो ग्रेजुएशन में केवल फिजिक्स और मैथ्स लेनी और केमिस्ट्री का पेपर नहीं दिया, जिसके चलते हुआ क्या कि जब मेरिट बनी तो वो मेरिट तीनों सब्जेक्ट को मिला के बनी और फिर उस बच्चे का जो है वो एडमिशन नहीं हो पाया। तो बच्चों ध्यान देना है आपने कि डोमेन सब्जेक्ट जो आपने भरे पूरे पेपर आपने अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी कुछ चीज छोड़नी नहीं है, ठीक है। तीनों पेपर तीनों को फॉर्म में भी भरना है, अगर नहीं भरा है तो अब भर लीजिएगा। डोमेन सब्जेक्ट वाले बच्चों के लिए बोला है कि 35 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 45 टू 50 क्वेश्चंस। तो जो भी आपने डोमेन सब्जेक्ट आपने भरे हैं एक में 40 में से 35 लेने हैं और दूसरे में 50 में से 45 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। और अब बात आती है जनरल टेस्ट वालों की। तो देखिए जनरल टेस्ट वालों के लिए तो 50 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 60, मतलब 60 क्वेश्चंस होंगे उसमें से 50 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो ये बच्चों पेपर का छोटा सा ब्रीफ। अब देखिए ये जो चीजें हैं आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो जैसे जिन जनरल नॉलेज जो जनरल टेस्ट वाले, देखिए उनका क्वेश्चन था कि मैम हमने पढ़ना क्या क्या, तो जनरल टेस्ट वालों का देखो जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स पढ़ना है, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन, बेसिक मैथमेटिकली, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजन, ये सारी चीजें पढ़नी है। और ये सारी चीजें आपको कहाँ पे मिलेंगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने खुद का पीडीएफ तैयार नहीं किया, ये वेबसाइट पे आप भी जाके देख सकते हैं। लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो लैंग्वेज में देखो जो कि जिन्होंने लैंग्वेज 1 और 2 भरा है, जैसे मान लीजिए इंग्लिश और हिंदी, उनको क्या पढ़ना है, देखिए 3 टाइप्स ऑफ पैसेजेस आएंगे जिसमें कि 300 और 350 के होंगे, फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी, वर्बल एबिलिटी आपकी देखी जाएगी, रीअरेंज द पार्ट सेंटेंसेस, ठीक है। जैसे मान लीजिए राम इज अ गुड बॉय, जैसे सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, तो गुड आगे लिखा होगा, बॉय बीच में, राम पीछे लिखा होगा, इस तरीके से आपने उसको सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना है। चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, जैसे कि वोकेबलरी, ये सारी चीजें आपने पढ़नी है, ठीक है। अब ये कहाँ से आपको मिलेगा, देखिए ये है वेबसाइट समर्थ की और यहाँ पे आपका हर जगह सिलेबस दिया, जैसे मान लीजिए ये ऊपर कॉलम दिया है होम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, सिलेबस, यूनिवर्सिटी कोर्सेज, एप्लीकेशन, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे सिलेबस पे तो आपका सिलेबस आ जाएगा। तो मैंने जो सिलेबस निकाला था जनरल टेस्ट, ये था जनरल टेस्ट का और इंग्लिश का लैंग्वेज का मैंने निकाला था, ठीक है। इसी तरीके से आप भी अपने सब्जेक्ट के लैंग्वेज को टेस्ट को निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी और भी वीडियो CUET से रिलेटेड आ रहे हैं, बी फार्मा से रिलेटेड, जिन्होंने बीएड करना है, सारों के लिए सारी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल पर भी मुझे ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद।